So, अभी मेरे और मेरे एक दोस्त की डिस्कशन हो रही थी और मुझे लगा ये डिस्कशन कई सारे लोगों के काम आ सकती है। सो मैंने उसे ही फोन पकड़ा दिया वीडियो बनाने के लिए। सो बेसिकली अभी हम एक होटल जा रहे हैं और हम ओबरॉय जा रहे हैं। सो आपने देखा होगा ओबरॉय और ताज के आगे THE मतलब दा लगा होता है। सो हम ऐसा पढ़ते हैं दा ताज दी ओबरॉय, बट आपने देखा कि हम दा को कभी दा पढ़ते हैं कभी दी पढ़ते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या होता है? लॉजिक ये होता है कि जब आप कोई भी वर्ड पढ़ रहे हैं दा के आगे और उसकी स्टार्टिंग किसी वॉवल के साथ हो रही है, जैसे ए ई आई ओ यू के साथ हो रही है, तो आप दी पढ़ेंगे, इसीलिए दी एंड होता है, दा एंड नहीं होता। तो दा ताज हो गया और दी ओबरॉय हो गया। सो ये बड़ी सिंपल सी चीज थी, बहुत सारे लोगों को इतनी बेसिक इंग्लिश आती ही होगी बट कई सारे लोगों को नहीं भी पता होता। सो यू कैन शेयर दिस वीडियो एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।